मध्य प्रदेश के धार जिले के मनावर में 10 नवंबर को हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता कर मनावर में हुई चोरी के बारे में जानकारी दी। जी हां, पुलिस को 4 शातिर नकाबजनी चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया मशरूका 4,80,000 एवं सोने चांदी के जेवरात जब्त किए। जी हाँ, आपको बता दें कि आरोपियों में 2 पुलिस वालों के लड़के भी शामिल हैं, जिसमें आरोपी विशाल के पिता पुलिस में नगर सैनिक के पद पर धार जिले में ही पदस्थ हैं, तो दूसरा आरोपी रोहित के पिता एसएफ पर पदस्थ है, तो आरोपी सामान्य परिवार के हैं। इन चारों आरोपियों ने अपने महंगे शौक को पूरा करने के लिए चोरी की थी। जी हाँ, आरोपी युवक अच्छे घरों से ताल्लुक रखते हैं। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि महज मोबाइल की स्क्रीन बदलने के लिए चोरी करने गए थे। वहीं आरोपियों को चोरी के दौरान यह अंदाजा नहीं था कि उन्हें इतना माल मिलेगा। जी हां, आरोपियों के पास अलग अलग तरह की बाइक थी जो कि सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला और उनकी बाइक के नंबरों की मदद से उन्हें ढूंढा गया। फिलहाल पुलिस ने सब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है। पुलिस ने 2 मामलों का खुलासा किया है, जिसमें पहला मामला मनावर पुलिस का है, जिसमें एसडीओपी मनावर, टीआई मनावर, उनकी टीम ने अच्छा काम किया और उसमें 10/11/19 को एक चोरी हुई थी, जिसमें नकद और सोने के आभूषण गए थे। उसमें सीसीटीवी फुटेज और अन्य क्लूज के आधार पर पुलिस ने मामले को ट्रेस किया। उसमें 4 आरोपी सागर, रोहित, राधाराम और विशाल, इन 4 लोगों को अरेस्ट किया और उनसे करीब 4,80,000 और सोना चांदी के जेवरात करीब टोटल 13 लाख का मशरूका रिकवर किया है। उसके अलावा दूसरा मामला JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।